नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी कुछ इस तरह है। एक गांव था, उसके जो नगर सेठ थे उन्होंने बहुत सारे लोगों से आसपास के गांवों में यह आह्वान किया कि एक पहाड़ है जिसकी सीधी चढ़ाई है, जो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा उसे मैं 1000 गाय और 1000 अशर्फियां भेंट में दूंगा। आसपास के गांव के युवा, बच्चे, वृद्ध सब इकट्ठे हुए। बहुत सारे लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। कुछ कदम चलने के बाद कोई नीचे आ जाता, कुछ देर बाद कोई चढ़ने की कोशिश करता, आधे तक पहुंच जाता, फिर नीचे आ जाता। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो सब प्रयास असफल रहे। लेकिन एक लड़का था जो लगातार बस चले जा रहा था, और एक समय बाद वो अपने तय मंजिल पर पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद उसने सबका धन्यवाद दिया और फिर वो लौट आया। राजा ने, या वो नगर सेठ जो था, उससे पूछा कि भाई ये कमाल तुमने कर कैसे दिखाया, और तो किसी ने किया नहीं। दो तीन बार पूछने पर भी वह कुछ बोला नहीं। उसके चाचा जी पास में थे, वो आए कि साहब इससे मत पूछिए, ये तो बचपन से ही गूंगा और बहरा है। अब ये बात आपको इससे क्या समझ में आती है कि जितने लोग चढ़े और वापस बीच रास्ते में ही उतर गए, उनके आसपास के लोगों ने ये कहा था कि तू ये नहीं कर सकता है, तू घर का एकलौता चिराग है, कहीं मर गया तो क्या होगा, हाथ टांग टूट गए तो घर के खर्च कौन वहन करेगा। लेकिन वो गूंगा और बहरा, उसे तो किसी की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, उसे सिर्फ एक ही बात दिख रही थी, वो लक्ष्य। आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कतई नहीं चाहते हैं कि आप तरक्की करें। वो ये तो चाहते हैं कि सब तरक्की करें, लेकिन उनसे ज्यादा कोई तरक्की ना करे। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात को आज से छोड़ दीजिए, और आपके भीतर बहुत बड़ी क्षमता है, उसे पहचानिए। मैं हूं जामवत और आप हैं हनुमान। मैं बताऊंगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, और आप अपनी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।